IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम श्रेष्ठ समाधानम। पुराने समय की बात है, एक सुंदर आश्रम था। आश्रम के चारों ओर सुंदर सुंदर उद्यान थे। उद्यान में अनेक प्रकार के पशु और पक्षी रहते थे। आश्रम की सुंदरता को देखकर एक ब्रह्मचारी बोला, विशाल सरोवर सरोवरे नानाविधा पक्षिणः कूजन्ति, सुन्दरं दृश्यम्। अस्मान् आनन्दयति। अहो, प्रातः कालः सञ्जातः, मुनेः संध्या वेला इयम्, तदर्थं पुष्पाणि चेतव्यानि। अहो, वामता इयं गोशाला। अस्तु, तत्रैव चलामि, गोसेवां च करिष्यामि। भो मुने, इमानि पुष्पाणि स्वीकरोतु। साधु कन्ये, साधु। भवतु, संध्यावंदनं समाप्य आगच्छामि। तावत् यूयमपि दैनिक कार्यं संपादयत। मुनिवर, कश्चन राजा आश्रमं प्रविष्टः। प्रवेशय, शीघ्रं प्रवेशय। यथा आदिशति भवान्। राजन, इतो भवान्, इतो। मुनिवर, प्रणमामि। कल्याणमस्तु, आगच्छ, उपविश। अयि राजन्, किं सर्वं कुशलम्? मुनिवर, भवतां कृपया सर्वं कुशलम् अस्ति, किन्तु मम केचन प्रश्नाः सन्ति। सानन्दं वदतु। कः समयः श्रेष्ठः? कः पुरुषः श्रेष्ठः? किं कर्म श्रेष्ठम्? वदतु, वदतु भवान्। ऋषिः मम प्रश्नान् उत्तरितुं नेच्छति, अतः इदानीं मया प्रतिगन्तव्यम्। अपने तीन प्रश्नों को लेकर राजा मुनि के आश्रम में गया था। राजा के पूछने पर मुनि ने राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक घायल व्यक्ति को देखकर राजा बोला, भगवन्, जनोयम् महतीं वेदनाम् अनुभवति, तस्योपचारे अहमपि सहायं कर्तुम् इच्छामि। शोभनम्, करोतु। आश्रम में राजा आए हुए घायल व्यक्ति का उपचार करने लग जाता है। राजा की निरंतर सेवा से अस्वस्थ व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। तब राजा उस व्यक्ति से पूछता है, भवान कथम एतादृशीं दशां प्राप्तः? मया केनापि प्रकारेण क्रोधाविष्टेन राजैव हन्तव्यः आसीत्। एवम्? एवम्, किन्तु मद्विचारस्य प्रकाशनात् राजपुरुषाः मां बद्ध्वा अताडयन्। येन केन प्रकारेण तन्मुक्तः आश्रमं आगतोस्मि। अधुना भवतो व्यवहारेण मे क्रोधः शान्तः। साधु, साधु। क्षन्तव्योऽहम्। साधु। भो राजन्, मन्ये भवतां त्रयाणां प्रश्नानां समाधानं
अस्य परिवर्तित मानसस्य जनस्य सेवयैव संजातम्। आम ऋषिवर। यतो हि अयमेव श्रेष्ठः समयः यत्र मानवः परोपकारे कस्मिन्नपि कर्मणि संलग्नः। समीचीनम् उक्तं भवता। कस्यापि सहायतां कामयमानः पुरुषः एव श्रेष्ठः। साधु, ज्ञातं मया। अपि च सेवा एव श्रेष्ठं कर्म, येन हृदय परिवर्तनमपि संजायते। आम्, अवगतं मया। अतितराम् उपकृतोऽस्मि, प्रणमामि। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आम्, कृतज्ञोऽस्मि। प्यारे बच्चों, आपने सुना, अपने तीन प्रश्नों को लेकर राजा मुनि के आश्रम में गया था। राजा के पूछने पर मुनि ने राजा के किसी प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं दिया। राजा ने जब घायल व्यक्ति की सेवा की और घायल व्यक्ति स्वस्थ हो गया, तब मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक राजा से कहा, राजन, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो दूसरे की सहायता के लिए सन्नद्ध रहता है, और सेवा कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और जिस समय मनुष्य परोपकार के किसी कार्य में संलग्न होता है, वही समय श्रेष्ठ होता है। इस तरह राजा को उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुनि ने उसको संतुष्ट कर दिया। श्रेष्ठ समाधानम, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज मिश्र, गिरीश त्रिपाठी, प्रेरणा और धनश्री। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शान मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT।